अब आप सब सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं तो मैं वहीं जा रही हूँ अब। हेलो गाइस, वेलकम बैक जैस्मिन व्लॉग, आई होप यू आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैं अच्छी हूँ और अभी मैं आ चुकी हूँ अपने घर मतलब ससुराल में। और काफ़ी सारा बैग हो गया था, पूरी कार फुल हो गई थी मेरे बैग से। ज़िंदगी में पहली बार इतना हुआ कि इतना सामान लाना पड़ा, क्योंकि शादी का टाइम था तो उस चक्कर में बहुत सारा सामान हो गया था। तो अभी मैं सामान दिखाने वाली हूँ और मेरे को पता नहीं चल रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से जमाऊँ, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर क्या है, मेन रोड का मकान है जो काफ़ी धूल आ जाती है, तो काफ़ी दिनों से बंद था, 15 दिन से, आई थिंक 1 महीना हो चुका है, इतने दिन बंद था है, तो इस चक्कर में धूल ज़्यादा होती है। बच्चे अपने टॉयज जमा रहे हैं उधर और इनके इधर भी रखे हुए हैं यहाँ पर इधर की साइड। और मेरा मेरे को जमाना है इस वाले रूम में, अपना मतलब ड्रेसिंग रूम में जमाना है मुझे। सुल्तान नहा रहा है और इधर ये सब मैस पड़ा हुआ है यहाँ पर ख़तरनाक वाला, और बाहर भी पड़ा हुआ है, बाहर भी बताऊँगी मैं आपको। और यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी इतना सारा पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो ये इतना सारा करना है मुझे। और मेरी तबीयत भी सही नहीं है बिल्कुल भी, मतलब मेरे को नींद आ रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं सोच रही हूँ कि ना इस पर सेक्शन में डिवाइड कर लूँ इसको, पहले मैं ना अपने ड्रेसिंग रूम का जितना भी सामान है जैसे मेकअप, हैंड बैग, शूज़ वगैरह सब जितने भी सामान होते हैं वो पहले रख दूँ, फिर उसके बाद मैं कमरे का स्टार्ट कर दूँगी मैं, क्योंकि कमरा तो वॉश करना पड़ेगा मुझे, ऐसे साफ़ नहीं होएगा क्योंकि कमरा में काफ़ी डस्ट पड़ी हुई है, क्योंकि बेडशीट वगैरह सब चेंज होंगे और बिगड़ धुले कपड़े भी पड़े हुए हैं, उसको भी वॉश करना है तो वो भी करना पड़ेगा मुझे। तो अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगे 10 दिन तक जरूर देखना, व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। और इधर मेरी अटैची पड़ी हुई है और आधा सामान तो अभी बाहर ही पड़ा हुआ है तो मैं लेके नहीं आई हूँ मैं। और सुल्तान ये कि खेल रहे हैं अभी, अभी ताला खोला है मैंने वाला, अब इसके अंदर भी मैस पड़ा हुआ होगा क्योंकि पता नहीं सकती इसके अंदर ज़्यादा नहीं है, मैं इनको ये बिछाने के लिए दे देती हूँ नीचे बैठे हुए हैं, तो उसके बाद में सफाई करूँ। ये ले लो तुम बिछाने के लिए, ले ही लो। तो ये इधर खेल रहे हैं तो इनको बिछाने के लिए मैंने ये दे दिया है अपना सोफ वाला, ताकि आराम से बैठ के टॉयज जमा ले अपने। इनके इधर बास्केट में पड़े हुए, मेरा पूरा घर ऐसा पड़ा हुआ है खतरनाक तरीके से। इधर मेरे हैंड बैग वगैरह, शूज़ वगैरह, जितने भी सामान मैं दिल्ली से लाई थी, इधर टॉयज वगैरह सब इनके पड़े हुए हैं एक साथ। और बाहर भी मेरा काफ़ी सामान पड़ा हुआ है तो मुझे वो भी करना है, मतलब मेरे समझ भी नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। तो इधर बता दूँ मैं डस्ट कितनी आ चुकी है इसमें, इतनी डस्ट आ चुकी है इसके अंदर और बच्चे खेल रहे हैं। जमाने में टाइम लगता तो इस वजह से नहीं जमाया, सिर्फ अभी मैंने कमरे की सफाई करी है और अभी और बाकी किचन भी बाकी है, अभी बच्चों के टॉयज जम चुके हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कितनी सफाई करी है, बहुत सारा बाकी है अभी। और मैंने अंधेरा कर लिया, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी फिर उसके बाद में स्टार्ट करूँगी वापस से कपड़े जमाना, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं शादी के अलग और घर में पहनने के अलग, इस वजह से मैं बता रही हूँ आपको। मेरी मैगी तो ला, लड़ो मत, मेरी मैगी, एली की मैगी आ गई, बहुत मीठी है। तो अभी मैं रेडी होने जा रही हूँ क्योंकि मेरे को बर्थडे पार्टी में जाना है टिकटॉक कैफे पे, तो बस वहीं के लिए तैयारी कर रही हूँ मैं। और बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर, मैगी खा रहे हैं तो मैं भी साथ में खा रही थी।
यहाँ पर मैं म्यूज़िक नहीं डाल सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा इस वजह से, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है इस वजह से। और आपको एक बात बता दूँ, जिसके साथ अभी मैं वीडियो बना रही हूँ मेरी भाभी है सिद्रा दूसरी वाली, तो ये भी जल्द आने वाली है हमारे घर पर इंशाल्लाह। तो हम दोनों काफ़ी मस्ती करते हैं, और ये है जिसका बर्थडे समर, तो कॉपीराइट आ जाएगा इस वजह से मैंने म्यूज़िक नहीं डाला इसके अंदर, हम मस्ती कर रहे थे यहाँ पर। और एक बात और बता दूँ मैं यहाँ पर इनका, ये बोल रहे थे मुझसे कि फ़ोटो ले लो, लेकिन मैं फ़ोटो नहीं ले रही थी, यहाँ पर वीडियो लेने लग गई थी, तो मुझ पर हंसने लग गए थे कि बता तो देती अगर व्लॉग के लिए वो वीडियो ले रही थी तो आप, तो सॉन्ग चल रहा था पीछे, इसमें भी मैं म्यूज़िक नहीं डाल सकती थी।
तो 10:45 हो गए थे, तो अब सब हम घर जाने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका, तो मेरे को भी लेट हो रहा था। बच्चे घर पे थे, सिर्फ एलिफ मेरे पास थी। तो आजकल लोग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, हमेशा मैं आपसे बोलती हूँ। तो आज के लिए ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, तो हमें ज़रूर याद रखिएगा।